चलती है फिर पैर चक्कर ननु ही करता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होता है ना तो हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ होते हैं, क्योंकि रूह जब हमारे बीच में कार्य करता है ना तो जैसे कि आज बताया गया है कि जो आज का दिन है वो बहुत ही खास दिन है। आज के दिन लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे। हालेलुया हालेलुया। आप जैसी जीभें फटती हुई सुनाई दी थी, सब लोग अन्य भाषा में भर गए थे। हालेलुया हालेलुया। ये हम आत्मा में भरकर इसी गीत को गाएंगे, जदो और था आत्मा जोर था बल का तो जनता कमजोर था। चाहती हूँ हम इतने सारे लोग हैं ऊंची आवाज से बोले कि जो अंदर बैठे वो भी बाहर आ जाए। हालेलुया Yeah.
परमेश्वर ने अब तक हमें ये छिपी हुई महामारी से बचा के रखा है, इस भयानक महामारी से अब तक बचा के रखा है। और बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर जितने लोग इस समय परमेश्वर की हजूरी में हैं, बड़ी अच्छी बात है उनके लिए, उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए कि आप सही सलामत अपने आप को यीशु मसीह के नाम में चेक करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे अपनी एक बड़ी सेवा, प्रस्तिश रूपी सेवा परमेश्वर आपसे ले रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें इस काबिल, इस योग्य ठहरा दिया है कि हम परमेश्वर की हजूरी में नाच कर गाकर ताली बजाकर एक बड़े आनंद के साथ भर के परमेश्वर की प्रस्तिश में एकत्रित हुए। हालेलुया। ओ धन्यवाद, ओ तारीफ, ओ स्तुति, ओ महिमा हो। तारीफ 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 तारीफ, स्तुति स्तुति। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और याद करें उस पेंतिकोस्त के दिन को। की लोग पवित्र आत्मा से भरे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और रूह से भरे, और वो जगह, वो स्थान रूह से भर गया। बोलिए हालेलुया। रूहे पाक की
की आज पवित्र आत्मा की आपको मांगे। आमीन। और परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना करो, मैं अपने स्वर्ग के सिंहासन को झुकाकर तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा। हालेलुया। Thank you.
समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर का आत्मा इस समय यहाँ पे है। प्रभु ने कहा जहाँ दो जहाँ तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं मैं उनके मध्य में हाजिर होता हूँ। और प्रभु ने कहा जहाँ मेरे लोग एकत्रित होते हैं मैं खुद वहां पे चलता और फिरता हूँ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और कहें घर के आसपास कोई भी किसी भी तरह की शैतान की कोई युक्ति, चाहे वो बीमारी हो, लाचारी हो, आपके विरुद्ध काम, गरीबी हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, ये अग्नि उनको जलाकर कर देती है। कहिए 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 आपकी बारी, आपकी बारी। यहोवा जिंदा
युगा युग तक वो जिंदा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा जिंदा खुदा जब सबसे ज्यादा जोर कम लगता है।
सो चोट भी लगी लेकिन फिर भी बैठ गया, उसके लिए ताली बजाएं पहले। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। वचन कहता अपने गला खोल के पुकार, हमें से किसी ने नरसिंगा फूका है, नरसिंगा आ रहा है। गली में से कोई भी जितना मर्जी जोर लगा ले वो नरसिंगा नहीं फूकेगा, इजराइल जा रहा है, क्योंकि उसको बजाने के लिए पेट का जोर लगता है। हालेलुया, जब तक आराधना पेट के जोर से नहीं होती तब तक नहीं उसका लगता, लेकिन आज आपने जोर लगाया। हालेलुया, जब आपका शरीर आपका गर्म हो जाता है, पसीने से भीग जाते हैं आप, तो समझे कि आपने जोर लगा दिया। हालेलुया, आइए उसका तख्त एक बार फिर से और भी हम गर्म करें। जलाल तेरा शाह जाए, जलाल तेरा शाह जाए, बोलिए जलाल तेरा जाए, फिर से जलाल तेरा, जलाल तेरा यहोवा एलोही, खुदावंदी यहोवा एलोही, खुदावंदी यहोवा एलोही, खुदावंदी यहोवा, तक तेरा लग जाए खुदावंदी यहोवा एलोही, हम इसका जोर नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लोग अपने गले का जोर लगाना शुरू करें। जलाल तेरा जाए, बोलिए बोलिए बोलिए, जलाल तेरा जाए, तक तेरे से प्यार का दरिया, शिफा का दरिया बहे, तक तेरे से खटा थी वो यीशु के नाम से टल चुकी है। आमीन, काली घटा हट जाए खुदावंदी यहोवा एलोही, खुदावंदी यहोवा, यहोवा 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 यहोवा, we'll be right back.
निर्देखी गहराइयों से यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, तमाम दुनिया में पिता परमेश्वर तेरे नाम का डंका बज रहा है मेरे परमेश्वर। फिर देखी के हैरानी तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने जिंदा और जीवित रखा मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना करने पाए मेरे यीशु राजा। आए हुए एक एक जन को, जितने बहन भाई तेरे सामने अपने हृदयों को, अपनी आंखों को झुकाए हुए पिता परमेश्वर, उन सब को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप मेरे परमेश्वर। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना मांगते मेरे यीशु राजा, बड़े से छोटे तक सबके ऊपर तेरा अनुग्रह तेरी कृपा चाहते हैं। और तमाम उन देशों के लिए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, जहाँ ये गंदी महामारी ने पिता परमेश्वर घेरा हुआ मेरे यीशु राजा, आज यीशु राजा तेरे नाम से मांगते हैं उस सारी बीमारी को, तमाम देशों को झुका तू करते मेरे परमेश्वर, सब घुटने तेरे सामने झुक चुके हैं मेरे परमेश्वर, तू उनकी सबकी प्रार्थना को सुन मेरे परमेश्वर और अपना अनुग्रह दे। आज की मीटिंग के ऊपर भी शुरू से आखिर तक तेरी आशीष चाहते मेरे परमेश्वर, आज के वचन के ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं, तेरे अपने दास को सिर से पैर तक छू ले मेरे परमेश्वर और अपने लहू में ढांप दे। आज का वचन पिता परमेश्वर जो हमारी जिंदगियों में भर कर जाने वाला हो परमेश्वर, वो वचन से हमें असुधा कर मेरे परमेश्वर। हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, एक दफा फिर अपने आप को, इस पूरी गली को, सारे मोहल्ले को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस देश को, इस शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब पे तेरा अनुग्रह तेरी कृपा चाहते हैं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा ग्लोरी तेरे पवित्र नाम को देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। एक बार खुदा के दास के लिए जोर से ताली बजाएं, क्योंकि खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है परमेश्वर के दास जितने आकर के योग्य हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु जी वो धूप आ गई है हमारे लोग सबको हो गए हैं। आज सुबह क्या हुआ, मैं सुबह गली में आया, मैंने ऐसे कहा प्रभु जी देख रहा था बच्चों ने प्रार्थना करनी है, सबका धन्यवाद। और आज का दिन इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा था, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही आज क्या है, हाँ मेरी कहा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट होते रहे और आज वो हमारे बीच में पवित्र आत्मा हालेलुया। आज का वो दिन है ताकि परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 5-6 हफ्तों से लगातार आ रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे थे कि चर्च खुल जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि हो सकता है अगले इतवार को चर्च खुल जाएगी, हमारा चर्च कुछ ना चर्च खुल जाएगा और हम भी ऊपर कर सकते हैं या नीचे करते हैं, यह हमारी मर्जी। हालेलुया। आप लोग जिसने जाना है अपने चर्च में जाए, उनको कोई ये ना कहे कि पास से जाने का ब्राह्मण ने रोका है या ऐसा, मेरा कोई बोल नहीं है। आप लोग मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे अपने, मेरे बड़े हो छोटे हो, मेरे बहन भाई हो, मेरे बच्चे हो, हमने एक अपनी आत्मा में होकर के ये कुछ किया, हालेलुया, जो कुछ किया है, यहाँ कोई बड़ा छोटा बन के ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि हम ऐसा करते रहेंगे। ये तो हमने शुरू कर दिया,
तो ये हमारी इस तरह की सभाएं हमारे से होते रहेंगे, हम सुबह नहीं करेंगे शाम को करेंगे, ये हम करते रहेंगे, क्योंकि ताकि हमारा मोहल्ले का विश्वास आपसी प्रेम जा रही वहां तक किसी को हालेलुया बोल ये बना करते हैं, किसी को भी मेरी जो कमी पड़ती है रात विरात को भी एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ताली बजा देंगे, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया प्रभु भला है, प्रभु भला है, हालेलुया और भाई खड़े हो जाओगे। हालेलुया एक वचन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय निकाले और 21वां वचन क्या लिखा है, दूसरा अध्याय 21वां वचन, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जोर से बोलो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया बोलो, जो कोई प्रभु का प्रभु बहुत है, प्रभु यीशु का, आमीन आमीन हालेलुया, जो यीशु का नाम लेगा, बोलो जो यीशु का नाम लेगा, जो यीशु का नाम लेगा, प्रभु तो बड़े हैं, बड़े बहुत हैं, पर यीशु एक है। हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु वर्गा कोई नहीं, बोलो ताली बजा दियो, यीशु वर्गा कोई नहीं, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया, जो यीशु का नाम लेगा वो क्या हो जाएगा, उद्धार पाएगा, क्या हो जाएगा, सारे बोल हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा उद्धार पाएगा। हालेलुया आज मेरी मेरी चर्च की एक बेटी है, आज जब वो आज 3 महीने के बाद